उधर बिलासपुर में हौसले बदमाशों के किस कदर बुलंद हैं ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे। जहां दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। शादी समारोह में शामिल होने महिला आई थी, लेकिन बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे दिया। तस्वीर आपके सामने देखिए, जहां महिला अपनी बच्ची के साथ खड़ी है, लेकिन इसी दौरान सबसे पहले बदमाश रैकी करता है और उसके बाद किस तरह से चैन लूटकर फरार हो जाता है। उसका एक साथी पहले से बाइक पर सवार है और दूसरा साथी चैन खींचकर भाग निकलता है। हालांकि महिला की शिकायत पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी लेंगे उमेश मौर्य हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। उमेश, इस वक्त वो वीडियो हम देख रहे हैं और ये बताता है दिन दहाड़े भीड़भाड़ वाले इलाके में किस तरह से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। हौसले बुलंद है, आरोपियों में कोई खौफ नहीं है कानून व्यवस्था का। निश्चित रूप से बिलासपुर में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो बदमाश है उसके हौसले बुलंद है, और कल भी इसी तरीके से एक घटना हुई जहां पर दोपहर शाम को एक महाराष्ट्र एक गोंदिया निवासी जो नम्रता पाठक है वो शादी में शामिल होने बिलासपुर आई हुई थी। इसी दौरान गीता पैलेस के सामने वो अपने बच्चे को बाहर निकल गई थी खेलने के लिए, उसे बाहर से अंदर लेकर आ रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक वहां पर पहुंचे और एक युवक ने पीछे से गले का मंगलसूत्र खींचकर बाइक में फरार हो गए। इस तरीके से देखा गया, जब सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि दोनों जो युवक थे वो नकाबपोश थे और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। लगातार इस तरीके की घटनाएं बिलासपुर में सामने आ रही है, पुलिसिंग व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है, लेकिन जो हौसले जो है बदमाशों के वो बुलंद हो गए। किसी भी तरीके का खौफ जो है वो पुलिस का इन बदमाशों पे नहीं दिख रहा और लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है और ये सर्चिंग की जा रही है कि वो आरोपी कहाँ से हैं, और फिलहाल अब ये पुलिस की जांच का विषय है तो कब तक ये जो दोनों आरोपी पकड़े जाते हैं। जी बिल्कुल, और अब आरोपियों को पकड़ने का दावा भी पुलिस कर रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका उमेश जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन देखिए, ये तस्वीरें बिलासपुर से निकलकर सामने आई है जहां अब ये घटनाएं आम हो चली हैं।